आइए सोल्व करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया इज, पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, फोबिया का मोस्ट कॉमन टाइप आपसे पूछा है। ऑप्शन है अगोराफोबिया, ऑप्शन है क्लस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, जूफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब है ऐसी कंडीशन से डरना जिनमें किसी पर्सन को यह लगे कि वह किसी परिस्थिति से बाहर नहीं जा सकता। फोबिया क्या होता है? अनवांटेड, यानी कि पर्सन को भी पता है कि इस प्रकार का डर मुझे नहीं लगना चाहिए। अनवांटेड, इरेशनल। इरेशनल का मतलब यहां पर क्या हुआ कि अतार्किक। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम छत पर जाते हैं तो हमें छत पर जाने से डर नहीं लगता, लेकिन एक्रोफोबिया अगर किसी पर्सन को है तो उसे थोड़ी भी ऊंचाई पर जाए और उसे पैनिक एंजाइटी होने लगती है। फोबिया का मतलब डर लगना नहीं होता है, फोबिया का मतलब होता है किसी सिचुएशन में जाते ही उसे एंजाइटी का होना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया इन दिस वर्ल्ड इज एगोराफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब अंधेरे से डर या किसी सिचुएशन में फंस जाना, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर, जूफोबिया मतलब पशुओं से डर। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया इन दिस वर्ल्ड इज एगोराफोबिया। आगे बढ़े स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके और मेरे सामने, ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया व्हाट विल फिजिशियन डू। पहला, इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है? इंग्वाइनल यहां पर वर्ड का मतलब है इंग्वाइनल केनाल से। इंग्वाइनल केनाल जो होती है उसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी मेल बेबी न्यूनेटल वाली कंडीशन में या फिटल कंडीशन में होता है तो उस बेबी में टेस्टिस का डिसेंडेशन, जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आते हैं, तो वह इंग्वाइनल केनाल के रास्ते से आते हैं। लेकिन यह इंग्वाइनल केनाल उच्चतर काल में, यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब इसका मेन कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी कई बार इसके अंदर जो स्पेस होती है, कई बार उस स्पेस से हमारी बॉडी के जो एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल इंटेस्टिन, वो इस इंग्वाइनल केनाल में एंटर कर जाती है। और उस नॉर्मल, देखो हर्निया का मतलब क्या होता है, हर्निया का मतलब यही होता है ऑर्गन का अपनी कैविटी छोड़ करके दूसरी कैविटी में जाना। तो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन का इंग्वाइनल केनाल में जाना क्या कहलाता है? इंग्वाइनल हर्निया। कैसे चेक करेगा कोई डॉक्टर? बोलेगा पेशेंट को लेट जाओ, थोड़े से अपने पैर को मोड़ के रखो, बोलेगा बैठ जाओ मैं तुम्हारा हर्निया चेक करता हूं, खड़े हो जाओ अपने हाथों को गर्दन के यहाँ ले लो और चेयर पर बैठ जाओ अपने हाथों को गर्दन के पीछे ले लो। क्या पूछा गया है? देखो सही आंसर यहां पर होगा लाई डाउन विद द लेग फ्लेक्स। पर्सन को बोला जाएगा कि आपके लिए बेस्ट रहेगी सुपाइन पोजीशन, आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए। सुपाइन पोजीशन में लेटने के बाद फिजिशियन या सर्जन जो है पर्सन को बोलेगा कि आप कफिंग कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कफिंग करने के लिए पेशेंट को बोलेगा। जब पर्सन कफ करेगा तो एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर की तरफ प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से हर्निएटेड ऑर्गन जो है वो इंग्वाइनल केनाल में प्रोट्रूजन करेगा और एक बल्ज हमें यहां पर दिखाई देगा इंग्वाइनल ग्रोइन एरिया में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्वाइनल हर्निया। सुपाइन पोजिशन विद लेग फ्लेक्स इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। रीजन बिहाइंड आईडी रूट ऑफ फॉर एएसटी, इंट्राडर्मल रूट पूछा है। इंट्राडर्मल रूट किसके लिए होता है? एएसटी के लिए मान लो होता है। एएसटी क्या है? एएसटी का मतलब हो गया एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग किसी पर्सन में करनी है। क्यों करते हैं? एंटीबायोटिक अगर किसी पर्सन में हम दें, ये एंटीबायोटिक उस पर्सन में जाकर के अगर उस पर्सन को सूट नहीं करती है तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कर सकती है। क्या होती है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन? टाइप फर्स्ट प्रकार की एलर्जी। क्लियर? किसकी वजह से होती है एलर्जी? IgE एंटीबॉडी की वजह से होती है। क्लियर? तो क्या पूछा है कि भाई किसी पर्सन में एएसटी करेंगे, एएसटी के दौरान एक दवाई एंटीबायोटिक को इंट्राडर्मल रूट से बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। उस स्थान पर अगर 10 से 15 मिनट में इन ड्यूरेशन हो जाए, वह स्थान जो है लाल हो जाए और हार्ड हो जाए, तो हम समझेंगे कि वह एंटीबायोटिक पर्सन को नहीं देनी है। तो मेन क्या था कि भाई हमने इंट्राडर्मल रूट को ही चुना एएसटी के लिए, क्यों? देखो कारण क्या होता है, अगर हम आईएम रूट चुने, हम आईवी रूट चुने, तो इनकी वजह से क्या होगा, पर्सन को
पर्सन की बॉडी में वो दवाई तुरंत फुरंत चली जाएगी, उसकी वजह से पर्सन की बॉडी में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन दिखाई देगी, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो क्या कारण है? यही कारण है कि भाई लेस स्पून फेलफुल होगा, नीड लेस अमाउंट, इजी टू एडमिनिस्टर और डिफ्यूज स्लोली। सही आंसर होगा डिफ्यूज स्लोली। इंट्राडर्मल रूट से दी गई दवाइयां जो होती है वो धीरे धीरे बॉडी में डिफ्यूज होती है, जिसकी वजह से IgE एंटीबॉडी के स्टिमुलेट होने के चांसेस कम हो जाएंगे और यहाँ पर एनाफाइलेटिक रिएक्शन भी नहीं होगी। क्लियर? तो इंट्राडर्मल रूट इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां से जो दवाई होती है धीरे धीरे डिफ्यूज होती है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़े, द पेशेंट इज ऑन प्रेडनिसोन थेरेपी, रोल ऑफ नर्स इज, देखो किसी भी पर्सन को कौन सी दवाई चल रही है, प्रेडनिसोन थेरेपी दे रहे हैं भैया। अब प्रेडनिसोन की थेरेपी कब देते हैं? मेडिसिन है भैया। प्रेडनिसोन क्या है? एक प्रकार का कोर्टिकोस्टीरोइड। प्रेडनिसोन एक प्रकार की कोर्टिकोस्टीरोइड दवाइयां हैं। ये दवाइयां जो होती है अगर हमारी बॉडी में जाए तो हमारी बॉडी में जाकर के बॉडी में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है। कोर्टिकोस्टीरोइड स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन भी है। क्यों? क्योंकि ये शुगर को बढ़ाएगा, इसकी वजह से मूड एलिवेटेड रहेगा, ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज मिलेगा, ब्रेन अपनी एक्टिव स्टेट में रहेगा। तो क्या पूछा है कि भाई प्रेडनिसोन क्यों देते हैं? प्रेडनिसोन कोर्टिकोस्टीरोइड है, तो इसी की वजह से जो प्रेडनिसोन हम किसी पर्सन को देते हैं उस पर्सन में ये प्रेडनिसोन एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट वर्क करता है। क्या होता है इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब? कि हमारी इम्यूनिटी को दबाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या नहीं होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा। और ग्राफ्ट का रिजेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पर ऑर्गन जो है प्रॉपरली पर्सन के अंदर ग्रो करने लग जाएगा। तो प्रेडनिसोन की थेरेपी में नर्स का रोल क्या होगा कि भाई वो प्रेडनिसोन के ड्रग लेवल को हर 2-3 दिन में मॉनिटर करें, ब्लड शुगर लेवल को चेक करें, चेक यूरिन आउटपुट और यूरिन ग्रेविटी, दोनों से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग नहीं होती। अब पूछा है ड्रग का लेवल, यह लो थेरापेटिक वाली ड्रग भी नहीं है इसका, तो यहाँ पर हम जो चेक करते हैं वो होता है चेक शुगर इन द ब्लड, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, अगर हमने चेक नहीं किया तो ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ेगा और पर्सन को डायबिटीज भी हो सकता है। दूसरी चीज, कोर्टिकोस्टेरॉइड किसी भी पेशेंट में चले तो उसका एक साइड इफेक्ट और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोसिस। क्लियर हो गई बात? दो चीजें आपने पढ़ी, ब्लड शुगर लेवल आपको लगातार चेक करना है। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया इज, देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात यहां पर कर रहा है। एनेस्थीसिया इज क्या कॉम्प्लिकेशन यहां पर होगा? हाइपरटेंशन, अनकॉन्शियसनेस, टेकिकार्डिया, हेडेक। किसी भी पर्सन को स्पाइनल कोड के थ्रू हम लोगों ने एनेस्थीसिया दिया है, यानी कि उस पर्सन को हम लोगों ने क्या है, निश्चेतन किया है, संज्ञाहीन किया है। संज्ञाहीन का मतलब वो पर्सन इन्वायरमेंट, टाइम, पर्सन, प्लेस, सेंसिटिविटी, टच, प्रेशर, पेन, इन सब के लिए इनसेंसिटिव हो गया। तो एक्चुअल में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? देखो जब कभी भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात स्पाइनल एनेस्थीसिया में करे तो यहाँ पर होगा हेडेक। गुरुजी हेडेक क्यों होगा? देखिए मित्रों, हेडेक होने के चांसेस इसलिए हैं किसी पर्सन के अंदर क्योंकि वहां पर लंबर पंक्चर हो सकता है। क्लियर? स्पाइनल कोड का सीधा रिलेशन हमारे ब्रेन से होता है। CSF के प्रेशर में, CSF के लेवल में चेंजेस की वजह से पर्सन को हेडेक फील होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर होगा हेडेक। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर। देखिए टेकिकार्डिया नहीं है, सही ऑप्शन क्या है हमारे सामने स्क्रीन पर? हेडेक इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट। देखो क्या पूछा गया है कि भाई किसी एडल्ट के अंदर हम लोगों को इंट्रामस्कुलर, IM का मतलब क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक बिल्कुल करना, कमेंट बताना कि सर मुझे कितने क्वेश्चन आए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, क्वेश्चन सोल्व करा करो, और वीडियो जब खत्म हो जाए तो मुझे बता दिया करो कि सर इतने क्वेश्चन कराए आपने, इतने मेरे सही गए। क्लियर? दूसरी चीज, ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि आपका टाइम बचे। क्लियर? तो बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन पूछे गए हमसे डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लैटरलिस, रेक्टस फ्यूमरिस। रेक्टस फ्यूमरिस पर IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर नहीं लगता है। डोर्सोग्लूटियल, देखो क्या होता है, दो क्वेश्चन है, वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल। अगर किसी पर्सन के अंदर हम लोगों से पूछा जाए कि IM इंजेक्शन लगाने की बेस्ट साइट कौन सी होगी, तो मानो ये पर्सन का जो है बटक वाला पार्ट है। बटक वाले पार्ट पर एक हिस्सा जो होता है उसे हम बोलते हैं डोर्सम, दूसरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। तो एक्चुअल में क्या होता है, वेंट्रल पार्ट का मतलब क्या होता है और डोर्सम पार्ट का? वेंट्रल पार्ट वो होता है जो हमारे एब्डोमिनल की तरफ होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट, अगर इस प्रोमिनेंट पार्ट की बात की जाए तो डोर्सम, और ये वाला पार्ट जो होगा वेंट्रल। तो इस वाली साइड को बेस्ट माना जाता है
इंजेक्शन लगाने के लिए, क्योंकि 150 ग्लूटियल वाली साइट में शियाटिक नर्व पास में होती है। यहाँ पर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू का अमाउंट कम होता है, इसकी वजह से नर्व डैमेज, ब्लड वेसल डैमेज, हेमरेज हो सकता है। इसलिए 200 ग्लूटियल को सही साइट नहीं मान करके हम वेंट्रोग्लूटियल को सही साइट मानते हैं। तो क्या ऑप्शन आप लोगों के सामने आया है? वेंट्रोग्लूटियल साइट इज द वेरी वेरी चॉइसेबल प्रेफरेबल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट। क्लियर? आगे बढ़े मित्रों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज, देखो मेंटल रिटार्डेशन की बात यहाँ पर की है। क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन? मेंटल रिटार्डेशन जो होता है इसका मतलब होता है आईक्यू 70 से कम होना। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है आईक्यू कितने से कम होना? लेस देन 70 से कम होना। क्यों कम होगा? एल्केप्टोन यूरिया, ठीक है, क्लूवर ब्रूसी सिंड्रोम, कोर्साकॉफ सिंड्रोम और बर्थ एस्फिक्सिया। देखो एल्केप्टोन यूरिया की वजह से भी एमआर होता है लेकिन कॉमनेस्ट कॉज नहीं है, ठीक है। फिनाइल एलेलिन की जो डेफिशिएंसी, क्लूवर-ब्रूसी सिंड्रोम में क्या होता है? न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर है। टेम्पोरल लोब जो होते हैं उस टेम्पोरल लोब में क्या होता है? लीजन्स बन जाते हैं, लेकिन ये भी लीजन नहीं है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होने वाला है? सीधा सीधा याद करके चलो, इंसिडेंस वाला क्वेश्चन है, बर्थ एस्फिक्सिया। जन्म के समय अगर बच्चा जो है वह अपने मेकोनियम को जो है स्वेलो कर जाए या किसी भी प्रकार से उसे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो, वही डिफिकल्टी उसके ब्रेन को परमानेंट इंजर कर देती है, जिसकी वजह से उसका जो मेंटल, जो उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो 70 से कम होने लग जाता है। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस, यहाँ पर तीन ऑप्शन गलत और सही आंसर हो गया बर्थ एस्फिक्सिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटापैराडिग्म ऑफ नर्सिंग, देखो क्या होता है मेटापैराडिग्म, नर्सिंग जो होती है उसका पिलर, नर्सिंग का पिलर, यानी कि अगर नर्सिंग है, देखो नर्सिंग कब कब होगी? जब कोई पर्सन हो तो नर्सिंग होगी, ठीक है, नर्स हो तो नर्सिंग होगी, इन्वायरमेंट है तो नर्सिंग होगी, हेल्थ है तो नर्सिंग होगी। मतलब चार वो मेन कंपोनेंट किसी थ्योरी रिसर्चर ने बताया, थ्योरिटिस्ट ने बताया कि भाई ये चार चीजें हो तो नर्सिंग हो सकती है। लेकिन इनमें से पूछा कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट मेटापैराडिग्म नर्सिंग का वजूद है इन चारों में से किसकी वजह से? पहला क्वेश्चन आएगा चारों में से कौन कौन सा नर्सिंग का मेटापैराडिग्म नहीं है, चारों के चारों है, इन सब में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? देखो सबसे बड़ी बात, अगर कोई व्यक्ति है तो उसी को बीमारी होगी, उसी को नर्स केयर देगी। दूसरी बात, नर्स खुद क्या है? व्यक्ति है। तो पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों आपके सामने है। आगे बढ़े, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। और खास बात, जब कभी भी आपके पास 10 मिनट 15 मिनट का टाइम हो, मेट्रो में सफर करो, बस में सफर करो, जहां भी टाइम गैप हो उसका यूटिलाइजेशन करें इन वीडियोस के साथ। और हाँ, अगर अच्छा लगता है दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्लियर? आगे बढ़े। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया इज, क्या पूछा है आपसे? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया, देखिए क्या हो सकता है शिजोफ्रेनिया का मोस्ट कॉमन टाइप। पहला हेबेफ्रेनिक, दूसरा पैरानोइड, थर्ड स्कैटाटोनिक एंड लास्ट इज सिंपल शिजोफ्रेनिया। देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया क्या होगा? हेबेफ्रेनिक, पैरानोइड, कैटाटोनिक, सिंपल। गलत गलत गलत। सही ऑप्शन स्क्रीन पर क्या है? पैरानोइड शिजोफ्रेनिया। शक करना, किसी व्यक्ति पर शक करने की किसी व्यक्ति को आदत हो जाए, ठीक है, डिल्यूजन होने लगे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्वेशन, किसी पर संदेह करने की आदत किसी को पड़ जाए, ऐसे शिजोफ्रेनिया को हम लोग पैरानोइड बोलते हैं। याद रखने की ट्रिक है पॉपुलर, पी फॉर पॉपुलर और पी फॉर पैरानोइड। तो पैरानोइड शिजोफ्रेनिया जो होता है वह जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया है पूरी दुनिया के अंदर। आने वाले टाइम में साइकियाट्रिक से मोस्ट कॉमन, एटियोलॉजी हो गई, सबके क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन जब तक वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर रिसीविंग द पेशेंट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ओटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग जो है ओटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर का? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन। क्लियर? क्या इंटरवेंशन होगा? पहला चेक वाइटल साइन, असिस्ट एयरवे, अटैच कार्डियक मॉनिटर टू द पेशेंट एंड स्टार्ट आईवी मेडिकेशन। देखो ओटी से पेशेंट को लिया है, ओटी से लिया है, इसका मतलब ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन हुआ तो क्या दिया गया होगा उसको? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया दिया गया है तो फिर उस समय क्या होगा, पूरी बॉडी में मसल कैसी होगी? मसल कैसी होगी? रिलैक्स। और अगर मसल उसकी रिलैक्स होगी, अगर उसकी मसल रिलैक्स होगी तो डायफ्राम भी कैसा होगा? डायफ्राम भी हो सकता है रिलैक्स। उसके सीक्रेशन, जब कभी भी कोई भी पर्सन कोलिनर्जिक
सिचुएशन में हो तो उसके सीक्रेशन क्या होंगे, ज्यादा। ऐसे में एयरवे को देखना होता है। ओटी से किसी पेशेंट को रिसीव किया है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या होगी, असिस एयरवे। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल यही क्वेश्चन पढ़े हैं कि इन क्वेश्चंस की वजूद पर हम किसी भी एम्स के एग्जाम को, किसी भी सीएचओ के एग्जाम को जो है हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ होगा। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमेशा वीडियोस को देखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।